मछली का कांटा जो है वो बहुत कॉमनली काफ़ी सारे लोगों में देखा जाता है, जो यूजुअली नॉनवेज खाते हैं, जो यूजुअली मछली खाते हैं, बहुत कॉमनली देखा जाता है कि गले में मछली का कांटा फंस गया है। अगर हम इसके कारण जानने की कोशिश करें तो बहुत बारी ऐसा होता है कि पेशेंट बहुत हड़बड़ाहट में खाना खाता है, या तो हो सकता है कि खाना बहुत स्वादिष्ट रहा हो, मछली बहुत स्वादिष्ट रही हो, तो पेशेंट उसको काफ़ी हड़बड़ाहट में जब खाते हैं तो वो नोटिस नहीं करते हैं कि उसमें मछली के साथ कांटा भी उन्होंने निगल लिया हो। दूसरी चीज़ ये होती है कि जब पेशेंट बहुत ज़्यादा बल्क में खाता है कि एक साथ बहुत सारा खा लिया है, तो उसमें भी पेशेंट ये नोटिस नहीं कर पाता है कि मछली का कांटा भी उसमें था, खाने में वो उन्होंने निगल लिया है। जब कांटा निगल लेते हैं तब पेशेंट को एहसास होता है कि अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो गले में चुभ के गई है, जो गले में लग के गई है। यूजुअली सबको लगता है कि अब कांटा निगल लिया है तो अब क्या किया जा सकता है इसके लिए। पेशेंट फिर अपनी तरफ से घरेलू उपाय करने की कोशिश करते हैं। बहुत ज़्यादा मरीज़ जो हम देखते हैं वो यूजुअली क्या करते हैं कि हम खाना खा रहे थे, हमारे गले में मछली का कांटा फंस गया, तो फिर उसके बाद वो सोचते हैं कि गले में अंदर उंगली डालें फिर उसके बाद वो कांटा निकाल लें। ये बहुत बड़ी गलती है जो आम तौर पर सारे लोग करने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली बहुत सारे लोग ये करने की कोशिश करते हैं, जो बिल्कुल गलत चीज़ है, क्योंकि कांटा निकालने के लिए उंगली डालते हैं तो कांटा तो ऑलमोस्ट 99% ऑफ द टाइम शायद कांटा ना मिले, लेकिन जो उंगली डाल के उसको निकालने की कोशिश करते हैं तो इस दौरान हम और ज़्यादा गले में अंदर घाव कर लेते हैं। तो ये बहुत कॉमन एक मिस्टेक है जो बहुत सारे लोग करते हैं, जिसको अवॉइड करना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि जब भी हम कुछ खाते हैं उसमें कुछ फंस जाता है तो हमें ये लगता है कि वॉमिट कर दो या उल्टी कर दो तो उसको ये निकल जाता है। तो बहुत सारे पेशेंट्स ये करते हैं कि अंदर उंगली डाल के अपने आप को अंदर जो खाना खाया है उसको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। अगर एक बार वॉमिटिंग हो जाती है तो नॉर्मल है, उसके लिए कोई ऐसी बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है, लेकिन जब तक वो पेशेंट को एहसास होता रहेगा कि कुछ गले में चुभ रहा है, पेशेंट तब तक अंदर गले में उंगली डाल के वॉमिटिंग करने की कोशिश करता है और जो खाना खाया है उसको बाहर निकालने की कोशिश करते रहते हैं। उतनी बारी वो गले में और ज़्यादा उसको घाव बना देते हैं और वो परेशानी उनके कम होने के बजाय और ज़्यादा आगे बढ़ती रहती है। तो ये दो सबसे दो कॉमन मिस्टेक्स हैं जो यूजुअली काफ़ी सारे लोग करते हैं। इसकी वजह से हेल्प होना या कांटे का निकलने के चांसेस तो बहुत कम रहते हैं, लेकिन और ज़्यादा आगे घाव करने का या और ज़्यादा आगे परेशानी बढ़ाने के रीजंस डेफिनेटली ये हो जाते हैं। तो पेशेंट को सबसे पहले यही बताने की कोशिश करेंगे कि जब भी आप ऐसा कुछ खाते हैं, आपको लग रहा है कि गले में कुछ चुभ गया है, अगर हल्की फुल्की चुभन है तो हो सकता है वो कांटा ना हो, या फिर हो सकता है वो फंसा ना हो वहाँ पे और सिर्फ आपके घाव करके अंदर चला गया हो, तो नॉर्मली आप उसके आगे जब नॉर्मल खाना बाकी खाना खा लेते हैं तो वो उसके साथ अंदर चला जाता है और वो डाइजेस्ट हो जाता है या फिर वो अपने एक्सक्रीट में निकल जाता है, तो उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपको लगता है कि नहीं ये फंसा हुआ है और वहाँ पे कंटिन्यूसली हमें चुभन हो रही है, तो फिर तब उसको निकालने की कोशिश मत करिएगा या फिर उंगली डाल के उसको और ज़्यादा छीलने की कोशिश मत करिएगा, जिसकी वजह से और ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही हो। अगर हल्की फुल्की चुभन हो तो वो अपने आप नॉर्मली ज़्यादा पानी पीने से या फिर अच्छा खाना खाने से वो ठीक हो जाता है। जब इसके बाद भी अगर कुछ कुछ आध घंटे बाद भी अगर ये रह जाता है तो फिर आपका ये हो जाता है कि आपको ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास जाके एक बारी गला एग्जामिन करवाना चाहिए, ताकि डॉक्टर उसको देखें कहाँ पे कांटा फंसा हुआ है, कहाँ पे उसका लोकेशन है वो, और वो जो उसके स्पेसिफिक औजार होते हैं उससे वो कांटा निकाल के आपका ट्रीटमेंट करें।